एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। अगर किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वह व्हाट का जवाब हो या वह हुम का जवाब हो। कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यह प्रश्न तो तब पैदा होता है जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या डबल ऑब्जेक्ट्स एक साथ दिए हुए हों। अगर ऐसा है तब आपको यह देखना चाहिए कि उनमें जो सजीव होगा अथवा जो किसे का जवाब होगा वो तो इनडायरेक्ट होगा, और उनके अंदर जो निर्जीव होगा अथवा जो क्या का जवाब होगा वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक बात और समझें, ये ऊपर वाला सेंटेंस जो मैंने लिख दिया, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं, देखना आप एक बार, यही वाला सेंटेंस है और मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूं, आई टीच इंग्लिश को पहले लेना चाह रहा हूं, देखना एक बार थोड़ा चेंज करके, टीच इंग्लिश यू, उल्टा कर दिया मैंने, और अगर मैंने उल्टा कर दिया तो यहां पर आपको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। बात को समझो, आई टीच यू इंग्लिश ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे, और ऐसे वाक्य में अगर ऐसे वाक्य में आप ये समझो कि ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर डबल ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं और उनका क्रम यह है कि पहले इनडायरेक्ट आ रहा है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर आपने क्रम उलट दिया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट को बाद में कर दिया, तो दोनों के बीच में आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों के